मेरा स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा में सितंबर इंटेक की सीट्स का क्या स्टेटस है, किस तरह के कोर्सेज, कितनी सीट्स किस प्रोविंस में अवेलेबल है, पूरी जानकारी अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ शेयर करेंगे। कंवर साहब आपका स्वागत। तो मोस्टली जैसे कि आप सब जानते हैं, ओंटारियो ने ऑलरेडी एक कंडीशन डाल दी थी कि बिजनेस कोर्सेज ऑलमोस्ट उन्होंने काफी सारे बंद कर दिए थे, तो जो बिजनेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं अब यूनिवर्सिटीज की तरफ देखना पड़ेगा। चाहे वो बजट में देखना चाहते हैं तो यॉर्कविले है, एल्गोमा है, और मोस्टली जो कॉलेजेस हैं ज़्यादातर कॉलेज की तरफ से बिजनेस कोर्सेज काफ़ी सारे कोर्सेज रुक चुके हैं, लेकिन अदर कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो आईटी के बहुत सारे कोर्सेज ओपन हैं डेफिनेटली, और इसके साथ साथ आप अदर इंजीनियरिंग ट्रेड्स में या हेल्थ केयर वाले कोर्सेज में जा सकते हो। हेल्थ केयर कोर्सेज में आप सबको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय, तो मेडिकल स्टूडेंट्स का तो फ्यूचर काफ़ी सेफ रहेगा। अगर हम ओंटारियो को छोड़ के बाकी प्रोविंसेस की तरफ देखेंगे तो आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, और चाहे आप एल्बर्टा में ऑप्शंस आपको लिमिटेड मिलेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस वहाँ पर नहीं हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। तो जो बच्चे एल्बर्टा क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग में है पिछले कुछ समय से, तो जो बच्चे जाना चाहते हैं दे शुड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ब्रिटिश कोलंबिया में आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं, मैनिटोबा में मिल सकती हैं, और क्यूबेक में काफ़ी ऑप्शंस मिल सकती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो एरियाज़ हैं, खासकर अगर आप रीजनल्स एरिया में जाते हो दोस्तों, तो आपका पीआर का सफ़र बहुत आसान रहेगा क्योंकि स्केचमन जैसे रीजन्स जो हैं वहाँ काफ़ी इजी पीआर मिलती है। प्रिंस एडवर्ड में इजी पीआर मिलती है, अल्बर्टा में इजी पीआर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट्स को ये भी देखना होगा, ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी स्टडी देखोगे, सिर्फ यही देखोगे मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, क्योंकि जो रूल्स के चेंजेस हैं दोस्तों वो सिर्फ स्टडी वीज़ा को लेके नहीं है, वो पीआर कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और उन कैटेगरी चेंजेस को अगर आपने स्कोरिंग वहाँ पर बाद में पूरी करनी है तो अगर आप रीजनल में पढ़ लोगे तो आपके पास ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि समझदारी क्या होती है कि मान लो कि मैं अभी जलंधर में हूँ, अगर मैं जलंधर में पढ़ता हूँ दिल्ली में जॉब करता हूँ तो इट मेक सेंस कि बड़े शहर में आप काम करने के टाइम में जाते हैं जब आपके पास फुल टाइम वर्क परमिट है, और स्टडी आप किसी भी एक एवरेज सिटी में कर सकते हो एवरेज कॉलेज। लेकिन अगर आप ये चीज़ उल्टी करते हो, यहाँ से सीधा ही आप दिल्ली पढ़ने जाते हो और बाद में जॉब करने के टाइम में पॉइंट पूरे नहीं होते पीआर के लिए और फिर छोटी सिटी जलंधर या कोई भी आते हो, तो आप उतनी सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पाओगे। तो अपने स्टडी वाले पीरियड को यूज़ करो पीआर के पॉइंट्स बनाने में, और बाद में अपना जो वर्क पर टाइम वाला राइट है उस टाइम आप कनाडा में कहीं पर भी अपनी जो सेटलमेंट है वो ले सकते हैं लॉन्ग टर्म, और पीआर आपका उसी के हिसाब से होगा। क्योंकि पीआर जब आप किसी प्रोविंस बेस पे लेते हैं तो आपको 2 साल उस प्रोविंस में रहना ज़रूरी होता है, तो अगर आप अपना स्टडी वाला समय वहाँ पर बिता लेंगे तो आपकी कंडीशन पूरी हो जाती है, और बाद में जब आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है या पीआर होता है तो आपको वहाँ पर रहना ज़रूरी नहीं होता, आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो। बट अगर आप सिटी बड़ी में पढ़ते हो लाइक टोरंटो में पढ़ते हो तो फिर ऐसी सिचुएशंस आपके पास आ जाती हैं जहाँ पर बाद में आपको रीजनल एरिया में जाके रहना पड़ता है। तो दिस इज़ अप टू योर डिसीजंस कि आप कैसे बनाना चाहते हो। सीट्स अवेलेबिलिटीज़ यस सेप्टेम्बर के लिए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये सीट अवेलेबिलिटीज़ मई तक तो रह सकती है, जून की मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारा जो रश है अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा और बच्चे लगातार अपनी एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं, और इस समय सिनारियो ये भी हो रहा है कि पीएल की इनसिक्योरिटी के कारण कई बच्चे मल्टीपल कॉलेजेस में फाइल्स लगा रहे हैं। अब मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो सीट्स हैं या जो एप्लीकेशन लेने की कैपेसिटी है कॉलेज की वो भी अफेक्ट हो रही है। तो अपनी एप्लीकेशंस आई एडवाइज यू जितनी जल्दी लगाएंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। ब्रॉडवे टीम इज़ देयर टू असिस्ट यू फॉर एनी कन्फ्यूजन और एनी डाउट्स। टीम से आप कॉन्टैक्ट करें और अपनी एप्लीकेशंस को टाइमली स्टार्ट कर लें, और ऐसे कॉलेजेस ढूंढना चाहते हैं, ऐसे सिस्टम ढूंढना चाहते हैं जहाँ पर आप 4 पैसे बचा सकें अपनी फीस कम कर सकें या अपनी GIC कम कर सकें, तो ऐसी भी ऑप्शंस आपके पास रहती हैं। जैसे क्यूबेक में आपका GIC ही कम जाता है, ऊपर से कॉलेजेस भी ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर फीस कम दे के चल जाता है, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी कई जगह पर फीस कम होती है। मास्टर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट प्लस टू वालों के लिए ऑप्शंस डेफिनेटली लिमिटेड हैं, सो दे नीड टू बी अ वेरी फास्ट एडमिशन। बेहद शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अमरजीत सिंह कंवर ने, ब्रॉडवे इमिग्रेशन के चीफ है, उन्होंने हमारे साथ कनाडा सितंबर इंटेक का स्टेटस शेयर किया है। 90238 90238 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। शुक्रिया। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।